टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशन का फील्ड वो जगह है, फील्ड जगह स्पेस है। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वो जगह है अर्थ के आसपास, कि अगर आपने उस जगह में कोई भी मास रख दिया, अर्थ ने उसे खींच ही लेना है, अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाई देगी। लेकिन अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पार कर लिया और आप बाहर निकल गए, अर्थ आपको खींच नहीं पाएगी, फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक, हम कहते नहीं एक रॉकेट जो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल गया तो निकल गया, अर्थ खींच नहीं पाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक जगह जहां पर अर्थ कोई भी या किसी भी प्लैनेट का हो सकता है, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाकी प्लैनेट्स का तो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, अर्थ का तो पता ही है, इसलिए अर्थ के एग्जांपल ज्यादा हैं। तो अर्थ के आसपास एक ऐसी जगह जहां पर कोई और मास रखा जाए, अर्थ उसे अट्रैक्ट करेगी। तो अब दूसरा जो इसका टॉपिक है या जो टर्म है, दूसरी टर्म जो स्टडी करनी है वो करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक ही बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशन के फील्ड की इंटेंसिटी। देखो, इंटेंसिटी जो है या जो स्ट्रेंथ है वो ये बताती है कि जैसे सपोज करो आपके पास अर्थ है, आप अर्थ के करीब जितना भी रहेंगे, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग रहेगी, आपको ज्यादा तेज खींचेंगे। आप दूर जाएंगे तो आपको कम खींचेगी, बहुत दूर जाएंगे और कम फोर्स हो जाएगी, और दूर जाएंगे कम हो जाएगी, और बाहर निकल के फील्ड के तो नहीं खींच पाएगी। यही लॉजिक है। अब सपोज करो मैं गया अर्थ के आसपास, तो ये भी गया, तो हमसे पूछा कि भाई यहाँ पर अर्थ आपको कैसे खींच रही है, हमने कहा बहुत जोर की खींच रही है भाई, अर्थ के पास है। हम बहुत दूर चले गए, बहुत दूर जाने पर अर्थ कम खींच रही है या फोर्स कम हो गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, तो मेरे से पूछा किसी ने, सर बहुत दूर चले गए तो आपको कैसा फील हो, मैं कहा अर्थ कम जोर की खींच रही है। इसने भी कहा। अब आपने ये नहीं पूछा कि सर आपका मास तो बड़ा था, इसका मास छोटा, तो फिर आपकी फोर्स सेम कैसे है। ठीक, हम यहां पर फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम यहां पर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। और स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कि अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो अट्रैक्शन की फोर्स भी वहां पर बड़ी ही होगी। जैसे हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड तो स्पेस है, अर्थ के पास रहेंगे तो फील्ड स्ट्रांग है, दूर जाएंगे फील्ड वीक होता जाता है, ऐसे बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड वीक हो गया। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड वीक नहीं होता, ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। इसका सिंबल ई है, इसका जो सिंबल है वो ई है, एंड ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कई लोग इसको आई भी लिखते हैं, पर हम इसको ई लिखेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये बताती है कितना स्ट्रांग है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी जगह पर। अगर ये न्यूमेरिकली वैल्यू हाई है, आप अर्थ के काफी करीब है, इसका मतलब है कि वहां पर फील्ड स्ट्रांग है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वहां रखेंगे तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, और अगर ये फील्ड वीक है तो ये स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी, और बाद में बिल्कुल एंड में ये जीरो हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये फोर्स से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बात सुनने में कैसी लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है, फोर्स और फील्ड स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, इसको एक बार देखते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं एक इसका फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला है क्या, सपोज अर्थ और सपोज करो ये अर्थ से, मैं अर्थ के सेंटर से छोटे आर डिस्टेंस दूर आ गया, अर्थ का मास है कैपिटल एम और रेडियस तो कैपिटल आर है ही है, और यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एम, पॉइंट ऑब्जेक्ट है एम। क्वेश्चन है, अर्थ ने पॉइंट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, है ना, अट्रैक्ट किया, ये फोर्स है। बोलो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट किया, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें,
कितनी फोर्स से अट्रैक्ट किया, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन पूछना बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मासेस के लिए वैलिड था और मैंने एक अर्थ ले ली और एक पॉइंट मास ले लिया, तो चला कैसे? दोनों मासेस क्या होने चाहिए थे? पॉइंट मास, जबकि मैंने पॉइंट मास नहीं लिया, मैंने एक बड़ी बड़ा मास एक छोटा मास। हम आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे कि ये फोर्स का फॉर्मूला स्फेयर और पॉइंट मास के लिए भी चलता है, सिर्फ स्फेयर और पॉइंट मास के लिए चलता है। अगर आप कहोगे सर पेन ले लो, पेन और पॉइंट मास नहीं लगाऊंगा, आप कहोगे सिलेंडर और पॉइंट मास नहीं लगाऊंगा, नहीं चलेगा। पॉइंट मासेस के लिए चलता है, स्फेयर पॉइंट मास के लिए चलता है, शेल और पॉइंट मास के लिए भी चलता है, शेल मीन स्फेयर जो अंदर से खाली चलता है, बस इन्हीं के लिए चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। वो भी बताऊंगा क्यों चलता है इसके लिए, बाकियों के लिए क्यों नहीं चलता। तो यहां पर तो चल रहा है, तो अर्थ ने पॉइंट मास पे ये फोर्स लगाई। ठीक, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास का सर बिल्कुल भी नहीं चलता, तो कोई भी क्वेश्चन यहां पर सेंटर ऑफ मास से नहीं करना। ठीक, तो ये फोर्स लग गई। अब मैं आपको बताने वाला हूं ई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें प्लीज। ई का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, ई का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट, ई किसी बॉडी की सरफेस के ऊपर, ये नहीं होता कि 10 मीटर स्क्वायर पे ई इतना लग गया, 10 मीटर क्यू पे ई, ऐसे नहीं होता, पॉइंट पे लगता है ई, हमेशा किसी पॉइंट पे लगेगा। तो ई एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय पॉइंट मास, और फोर्स इज अ वेक्टर, ई इज अ वेक्टर, ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज। ई निकालने का तरीका फोर्स अपॉन मास, पर ये मास याद रखना प्लैनेट का मास तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जहां पर ई निकालना है वहां पर कितना मास पड़ा हुआ है उससे डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर ई निकालो, तो आप फोर्स को पॉइंट मास से डिवाइड कर दें, फोर्स की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, इसको छोटे मास से डिवाइड कर दें, सॉल्व करके क्या आएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये ई का फॉर्मूला है। ई के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट का मास आता है, प्लैनेट लगाएगा ई, पेन ई नहीं लगाएगा। किसी पॉइंट पे जितना मर्जी मास पड़ा हो, अर्थ जो है या जो प्लैनेट है, ये जो मास है वो ये ई लगा रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास काउंट नहीं हो रहा। जबकि जब फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसमें दोनों मासेस लिए जाते हैं, फोर्स में दोनों मास आते हैं, ई में सिर्फ एक मास आता है। और ई का फॉर्मूला जो है, जो यूनिट्स हैं वो भी क्या होते हैं, न्यूटन पर केजी, फोर्स न्यूटन में है और ये न्यूटन पर केजी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास बोलते हैं इसे, फोर्स अपॉन मास को ई बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है ई का, और ई कैलकुलेट कैसे करना समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है स्टूडेंट को कि ये क्या बात बनी, पहले एम लिया फिर एम को डिवाइड कर दिया, फिर कह दिया एम एम कट गया, फिर लिया क्यों भाई, मत लेते। हाँ तो मत लो, मेथड टू, मेथड टू थोड़ा इजी मेथड, हम नॉर्मली यही यूज करते हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, अर्थ, और अर्थ के सेंटर से छोटे आर डिस्टेंस दूर मुझे अगर ई निकालना है, अब यहां पे कितना मास है मुझे चाहिए ही नहीं है, क्योंकि पहले मैं मास लूंगा फिर मास से डिवाइड कर दूंगा, फिर मतलब कैंसिल हो गया, वो चाहिए ही नहीं, तो मुझे चाहिए ही नहीं है। जहां पर भी ई निकालना है, शॉर्टकट याद रखना, वहां पर यूनिट मास ले लेना है, यूनिट मास बस, प्लस वन, प्लस तो खैर मास तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, वन मास ले लेना है, यूनिट मास ले लेना है। और यूनिट मास पे इस मास ने कितनी फोर्स लगाई बोलो, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, यही ई का फॉर्मूला है, बात ही खत्म कर दो। वो कहता क्या डिवाइड करना, बस जहां ई निकालना है वहां जितना मर्जी मास हो छोड़ दो, प्लस वन ले लो। और इस मास ने यहां पर यूनिट मास पे कितनी फोर्स लगाई, जी एम बाय आर स्क्वायर, आंसर यही ई है, ये आसान है। तो आज के बाद जहां ई निकालना है वहां क्या लेना है, यूनिट मास, इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है। ई इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास, यूनिट मास को कितनी फोर्स लगी वो ई की वैल्यू है। ठीक है यहां तक? तो कैसे निकालना है समझ में आ रहा है? तो आपकी इस असाइनमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप नेक्स्ट असाइनमेंट को एक बार ओपन करें,
ये देखो, तो चैप्टर का नाम, चैप्टर का ये ग्रेविटेशनल फोर्स कर लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ई, ई का फॉर्मूला एफ अपॉन मास कर लिया, मेथड वन एफ अपॉन मास, एफ की वैल्यू लिखी, मास से डिवाइड किया, ई का फॉर्मूला किया, ये लिखा मैंने बोर्ड पे। फिर सेकंड मेथड में क्या किया, जहां ई निकालना है वन ले लिया और इसकी फोर्स निकाल दी, जी एम बाई आर स्क्वायर आंसर, यूनिट इसके न्यूटन पर के जी ले लिए। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें?